मूक बधिर बालिका के साथ हुए अन्याय को करीब एक माह होने वाला है, लेकिन प्रशासन ने इस मामले का खुलासा नहीं किया, जिसको लेकर 12 फरवरी को सर्व समाज समिति ने महापंचायत करने का निर्णय लिया है। सर्व समाज समिति ने प्रशासन पर नाकामी का आरोप लगाते हुए बताया है कि जल्द खुलासा नहीं होने पर आंदोलन उग्र किया जाएगा। मूक बधिर बालिका के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मौजूदा सरकार मूक बधिर बालिका के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मौजूदा सरकार सीबीआई को लेकर भी अपना लेटर लिख चुकी है, लेकिन सीबीआई अभी तक पहुंची नहीं है। लगभग एक माह होने वाला है इस दुष्कर्म को लेकर, कल एक माह पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ है। आप देखिए, सर्व समाज अभी भी शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा हुआ है, जिसका आज 8वां दिन चालू है, लेकिन किसी तरीके से प्रशासन की कान पर जू रेंगी अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। खुलासा कब होगा? शहर की जनता, जिले की जनता और पूरा देश जानना चाहता है आखिरकार उस बच्ची के साथ हुआ क्या था। इसी संदर्भ में यहाँ पर जो सर समाज के लोग बैठे हैं, मैं जानूंगा उनसे विचार की विगत। एक माह पूरा होने वाला है, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, ना ही सीबीआई अभी तक अलवर पहुंची है। किस तरीके का क्या प्रलोभन रहेगा आगे, मैं जानता हूँ सर समाज के लोगों से उनका विचार। जी सर, बताएं, विगत तकरीबन एक माह पूरा होने वाला है मूक बधिर बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है कि हमने सीबीआई की जो मांग थी उसे स्वीकार कर लिया है और 17 तारीख को उसके लिए हमने केंद्र सरकार को लेटर लिख दिया, लेकिन सीबीआई जो है अभी तक आई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर्व समाज की जो न्याय समिति बनी है, अब तक जहां बच्ची के साथ पटकी थी पुड़िया पे, वहां के भी निशान मिटाने में प्रशासन ने वहां धुलाई करा दी, वो करा दी, और जो न्याय की बात है उसको तो ने मानने को तैयार है, ने उसका खुलासा कर रही है। ये सर्व समाज समिति जो संघर्ष कर रही है यहाँ धरने पे, एक महीना कल होने वाला है 11 तारीख को, 11 तारीख से ही शुरू है प्रोग्राम, अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। हम सभी लोग और भी यही चाहते हैं भाई, इतने दिन हो गए इसका, ने सीबीआई ने भी कोई खुलासा किया, ने प्रशासन ने किया, ने कलेक्टर ने एसपी ने किया, ऐसी क्या बड़े बड़े कांड उजागर हो जाते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा? उस बहरी गूंगी बच्ची थी, उसके साथ ये अत्याचार हुआ, उसका खुलासा नहीं हो रहा। 12 तारीख को आपकी महापंचायत रहेगी, क्या निर्णय लिया जाएगा उसमें? अगर किसी तरीके का कोई आगे की रणनीति होगी, क्या रहेगा उसमें? 12 तारीख को सारे जिले की समाज के लोगों की वो मीटिंग होगी, उसमें फिर रणनीति 16 तारीख को जो करेंगे वहाँ तय करके, वो पूरा जिला बंद करेंगे या प्रशासन या सीबीआई से कोई मतलब उजागर कोई चीज हुई तो फिर बाद में बताएंगे। क्या लगता है, दोबारा एक बार जिले को बंद करने की आपकी रणनीति के विचार चल रहे हैं अभी आपके दिमाग में? रणनीति जो सर्व समाज की जो न्याय मांग रही है, इसको सुनकर के जिले के दूर दराज के गांवों के ग्राम पंचायतों के तहसीलों के लोग कह रहे हैं इतने दिन हो गए इसका उजागर नहीं हो रहा है, तो सारा जिला इसमें सहयोग दे के इसलिए इस काम को उजागर करने की वजह से ये काम हो रहा है। कौन सी जगह पर होगी आपकी महापंचायत 12 तारीख को? 12 तारीख को मालाखेड़े गुरुद्वारे में के बाहर, अंदर मालाखेड़े गुरुद्वारे के परिसर में मीटिंग होगी, उसमें सारे लोग मौजूदा जिले के होंगे, उनमें जो भी निर्णय लेंगे वो फिर 16 तारीख को उजागर कर सर्व समाज न्याय समिति। तो आप मेरे साथ देख पा रहे थे, सर्व समाज यही चाहता है कि बच्ची को न्याय मिले, आखिरकार उसके साथ जो भी हुआ है उसका जो भी जल्दी से जल्दी है सरकार उसका खुलासा करे, प्रशासन उसका खुलासा करे। अगर नहीं हुआ तो 12 तारीख को सर्व समाज की तरफ से महापंचायत की जाएगी, जिसको लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। और अब सर समाज यही ठान के बैठा है कि अगर प्रशासन जल्द से जल्द खुलासा नहीं करेगा तो पुनः एक बार दोबारा जिले को बंद किया जाएगा। अलवर न्यूज़ के लिए मैं कौशल शर्मा।